हेलो दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा है और पकोड़े खाने का मन था, तो आज मैंने सोचा कि पनीर पकोड़े बनाए जाए। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले टमाटो डाइस करे। मैंने उसके जो बीच का मिडिल सा पार्ट होता है ना, थोड़ा सा फ्लफी रहता है सीड वाला, उसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि मुझे पकोड़े में सिर्फ ऊपर की स्किन चाहिए थी, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। फिर मैंने उसी तरीके से प्याज को भी डाइस कर लिया, हाथों से ही उसके ऊपर वाले कवर्स को निकाल करके रख लिया और बाकी का पार्ट मैं बाद में यूज़ कर लूँगा। फिर ग्रीन चिली थी मेरे पास, कश्मीरी शिमला मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी मैंने क्यूब्स में उसी तरीके से डाइस कर लिए। अब क्या अपना बेसिक से मसाले डाल करके इनको मैं थोड़ा मैरिनेट कर लूँगा। जैसे यहाँ यूज़ किया ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली डाला, थोड़ा सा डाल लूँगा धनिया, थोड़ा सा डाल दूँगा इसमें ज़ीरा पाउडर और चुटकी भर ऐड करूँगा यहाँ पे हल्दी में। उसके बाद इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर भी ऐड कर दूँगा और इनको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करूँगा ताकि वो इस पर स्टिक कर जाए। और पहले ना इनको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि पनीर चंक्स ऐड करने के बाद मेरे पनीर टूटे नहीं। तो पहले इनको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, फिर अब पनीर चंक्स डाल करके इनको हल्के हाथों से मैंने ये कर लिया, थोड़ा मिक्सअप कर लिया। उसके बाद ना हम लोग को बैटर तैयार कर लेंगे जिसमें हम लोगों को इसको फ्राई करना होगा। तो चलिए बैटर तैयार करते हैं। उसके लिए मैं एक भगोना लूँगा और उसमें ऐड करूँगा थोड़े से बेसन। यहाँ से अंदाज से मैंने लगभग 2 चम्मच के आसपास बड़े चम्मच बेसन लिए हैं और इसमें भी वही सारे मसाले ऐड करूँगा, धनिया, ज़ीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ा ज़ीरा पाउडर डाल करके इसको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी तक मैं उसको घोल लूँगा। ध्यान रखिए यहाँ पे पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो अच्छे तरीके से पानी एडजस्ट करें ताकि आपका बैटर ज़्यादा पतला ना हो। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर या तो वो पकौड़े पर जब वो ठीक हो जाएगा या तो वो पकौड़े पर ठीक से कवर नहीं कर पाएगा, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए घोल लिया है और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी मेरी रेडी हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, हम वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। आगे की वीडियो में बने रहें। ये देखिए कितनी मस्त कंसिस्टेंसी आ गई है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा, तब तक मैं अपने पनीर को और बाकी जो भी चीज़ हैं उनको एक स्टिक में एक एक करके मैं उनको ऐड कर लूँगा और इन्हीं में फिर बेसन का कोट करके मैं उनको फ्राई करूँगा। मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम पर एडजस्ट किया हुआ है और इन्हें शैलो फ्राई कर रहा हूँ। ज़्यादा हीट पे मैं इनको फ्राई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये जलने का डर रहता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही मैं इनको बारी बारी से फ्राई कर ले रहा हूँ। जितने एक पैन में एडजस्ट हो पा रहे मैं उन्हें एडजस्ट कर ले रहा हूँ।